स्पोर्ट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का नाम। आईपीएल मिनी ऑक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसमें आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल यानी कि आईपीएल के चेयरपर्सन ब्रजेश पटेल, जी हां, भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज रह चुके हैं ये, और उन्होंने मिनी ऑक्शन की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने सभी फ्रेंचाइजी टीम को, हर टीम में कितने खिलाड़ियों को रिलीज और रिटेन किया गया है, उन सबकी लिस्ट जारी करने को कहा है। और इसकी जो डेडलाइन दी है वो है 21 जनवरी। देखिए, इसमें आपको बताते हैं कि मिनी ऑक्शन होता क्या है। 2020 में भी मिनी ऑक्शन हुआ था। इसमें जो टीम, फ्रेंचाइजी टीम में जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए टीम बोली लगाती है, और उसी को मिनी ऑक्शन कहते हैं, जिसमें सभी खिलाड़ियां, और इसमें ट्रेड विंडो भी शामिल होगा, यानी कि ट्रांसफर विंडो, जिसमें टीम के खिलाड़ी अपनी आपसी रजामंदी से एक दूसरे की, यानी कि टीम एक्सचेंज कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी टीम एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें कैप्ड प्लेयर्स और अनकैप्ड प्लेयर्स भी शामिल होंगे। लेकिन आपको सबसे बड़ी खबर बता दें कि CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स, जिसकी कप्तानी धोनी कर रहे थे, देखिए सुरेश रैना की गैर मौजूदगी में जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो एकदम फ्लॉप रही। सभी प्लेयर्स जो थे, यानी कि बैट्समैन की बात करें या फिर बॉलर्स की बात करें, दोनों ही जो थे, गेंदबाज और बल्लेबाज, फ्लॉप रहे, और टीम 7वें नंबर पर थी, आईपीएल का खिताब भी नहीं जीत सकी थी चेन्नई सुपर किंग्स। वहीं आपको बताते हैं कि इसमें जो कुछ खिलाड़ी हैं जिन्हें रिलीज किया जा सकता है, पीयूष चावला और केदार जाधव जैसे दो प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है सीएसके टीम। देखिए, सीएसके टीम का बजट बहुत कम है, और केदार जाधव और पीयूष चावला एक दो महंगे खिलाड़ी हैं। तो अभी सूत्रों के अनुसार जो हमें बात पता चली है, उसमें जो दो प्लेयर्स हैं सीएसके के, उसमें दोनों ही प्लेयर्स यानी कि पीयूष चावला और केदार जाधव को रिलीज कर सकती है। बाकी कुछ और खिलाड़ी भी हैं जिन्हें रिलीज कर सकती है सीएसके टीम, इनका बजट बहुत कम है, यानी कि आईपीएल ऑक्शन जो है सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो सीएसके टीम के लिए ही होगा, और सबसे ज्यादा फायदेमंद जो है वो होगा दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के लिए। देखिए, मुंबई इंडियंस तो बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन दिखाया उन्होंने अपने आईपीएल सीजन 13 में, जिसमें रोहित शर्मा की कप्तानी में जितने भी जो प्लेयर्स थे, यानी कि हम बात करें बल्लेबाजों की भी और गेंदबाजों की भी, काफी शानदार प्रदर्शन रहा उनका, और टीम ने जो है 5वीं बार जो खिताब भी जीता आईपीएल का। तो आपको हम बताते हैं कि देखिए, मुंबई इंडियंस का तो अभी हमें जानकारी नहीं है कि कौन कौन से जो प्लेयर्स हैं उनको रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी प्लेयर्स एकदम मजबूती से टिके हुए हैं, उन्हीं की वजह से जो आज अपनी टीम जो है वो जीत हासिल की थी। अभी तक उस टीम के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि कौन से प्लेयर्स हैं जिनको वो रिलीज कर सकती है। हालांकि हम आपको बताते हैं, दिल्ली कैपिटल्स में जो है अजिंक्य रहाणे और ईशांत शर्मा जैसे दो प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है टीम। देखिए, दोनों ही जो प्लेयर्स हैं वो टेस्ट के प्लेयर्स हैं, वो T20 में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाते, वो T20 में टेस्ट के अनुरूप खेलते हैं, तो ये दोनों जो प्लेयर्स हैं वो टेस्ट प्लेयर्स हैं, तो शायद जो दिल्ली कैपिटल्स है वो इन दोनों खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। राजस्थान रॉयल्स की, जिसमें वरुण एरन जैसे खिलाड़ी को टीम रिलीज कर सकती है। मिनी ऑक्शन जो है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा है दिल्ली कैपिटल्स के लिए और मुंबई इंडियंस के लिए। वहीं बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, जिसमें डेल स्टीन जैसे खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम रिलीज कर सकती है। तो देखते हैं अभी आने वाले जो टाइम में कैसा क्या अपडेट आता है हमारे पास, सभी जो लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो रिटेन किए गए हैं और कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो रिलीज करे गए हैं। स्पोर्ट्स की तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।